चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से। काफी हम लोग लेट हो गए। एक्चुअल में आप लोग जान के हैरान होंगे गाइस कि ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 11:30 बजे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया। हालांकि कोई बात नहीं है, वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और मैंने एक बार जो बोल दिया आप लोगों को कि भाई वीडियो 28 दिसंबर तक चलेगा, तो डेफिनेटली चलेगा। ये ना सोचिएगा कि वीडियो नहीं चलेगा, क्योंकि मैं खुद अपने जो एम्बिशन से है ना, उसके उसके लिए मैं भी एकदम हॉनेस्टली हूँ। अभी कुछ दिन पहले काफी समय से मैं देख रहा हूँ गाइस कि अपने खुद के लिए एक ईमानदार रहो। जो एक बार आपने कमिटमेंट कर दिया तो डेफिनेटली आप कुछ समय के बाद आप देखोगे कि आपका जो कमिटमेंट है ना, वो एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट लाता है। तो मेरा कमिटमेंट यही है कि 28 दिसंबर तक इस सीरीज को मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग और जो मेजर रहेगा इसको पूरा एकदम अच्छे एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम धुआंधार तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे गाइस, इक्वलिटी और इनइक्वलिटी का जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? इक्वलिटी और इनइक्वलिटी। जो IBPS AFO में गाइस यहाँ पे कितने नंबर के आएगा? 5 नंबर का ये टॉपिक आता है, तो जरूर ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चाहे IBPS AFO का प्रिपरेशन कर रहे हो या तो फिर आप PO या क्लर्क का क्यों ना कर रहे हो, उसके लिए भी ये सीरीज वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि स्पेशली ये सीरीज जो मैं लेके आया हूँ स्पेशली बैंकिंग के बच्चों के लिए ही है। तो होपफुली सबसे पहली बात, मैं एग्रीकल्चर का एक छात्र हूँ और छात्र होने के साथ साथ मैं धीरे धीरे टीचर बन गया हूँ। तो मैं आप लोगों को एग्रीकल्चर के साथ साथ आप लोगों को सी सेट भी पढ़ाता है ना, तो कोई बड़ी महानता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो मैं कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी आप लोगों से बीच में पूछते रहूंगा, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिगर देरी किए गए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक जबरदस्त तरीके से हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो गाइस ध्यान रखना, यदि आप चैनल पे नए हो, यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो उसको दबा लीजिए ताकि जो आने वाली जो नोटिफिकेशन है आप लोग एकदम आप लोगों तक बढ़िया तरीके से वो पहुंच पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रीजनिंग का टॉपिक। 5 नंबर का टॉपिक है गाइस, ध्यान रखना, लाइटली मत इसको लीजिएगा, क्योंकि हमारे एक एक नंबर बैंकिंग में यदि कम होता है तो आप सिलेक्शन से वहां पे दूर हो जाओगे, है ना। तो इस टॉपिक को समझिएगा, आज हमारा बेसिक ही रहेगा, पहला दिन हमारा रहेगा, 3 क्लास में इसको हम लोग फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट डे रहता है, किस पे रहेगा? इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी पे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है गाइस ये रीजनिंग का। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं हम लोग बिगर देरी किए बिना सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए हेडिंग डालने से बिलो इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी। चलिए डाले हेडिंग, होपफुली डाल लिया होगा आप लोगों ने। नहीं डाला है आपको ना, डाल लो। कुछ महानुभाव ऐसे भी है जिन्होंने अभी नहीं डाला हुआ हेडिंग, मेरा वेट कर रहे होंगे, तो उनके लिए मैं लिख देता हूँ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी। इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? समानता और असमानता बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। IBPS AFO में ये जो आएगा, कितने मार्क्स का आएगा आपका? 5 क्वेश्चन आएगा और 5 क्वेश्चन आपको 5 नंबर आपको दे के जाएंगे, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। तो बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, इजी है, क्रूशियल है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आता कैसे है, इसके 5 ऑप्शन दे रहते हैं। 5 ऑप्शन कैसे लिखता है यहाँ पे? पहले ये लिखा मैंने फर्स्ट, अनुसरण करता है पहला ऑप्शन। पहले मैं ऑप्शन बता रहा हूँ ऑप्शन कैसे आएंगे। दूसरा अनुसरण करता है, उसके बाद आएगा आपका पहला व दूसरा अनुसरण करता
करता है। फोर्थ पे आएगा या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है, ठीक है। इसको मत लिखिएगा आप लोग, आप लोग प्लीज समझिए, ध्यान से सुनिए, सिर्फ सुनो उसको, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। फर्स्ट वो सेकंड दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे, सर ये अनुसरण और क्या है? अनुसरण मतलब सही है ना, जैसे पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, या तो फर्स्ट या सेकंड, मतलब यहाँ पे आइदर वाली कंडीशन अप्लाई होती है। ध्यान रखना है, जो बच्चे नए हैं तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, लाइक अभी तक लाइक नहीं किया है, मैं देख रहा हूँ काफी बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, उसको लाइक कीजिए एकदम बढ़िया सा बेहतरीन तरीके से। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या कहा होगा गाइस, इस प्रकार से पांच ऑप्शन दिए रहेंगे, पहला अनुसरण करेगा, दूसरा अनुसरण करेगा, पहला और दूसरा दोनों, या फर्स्ट या सेकंड, या दोनों अनुसरण नहीं करते, मतलब दोनों यहाँ पे क्या माने जाएंगे, गलत माने जाएंगे। तो कुछ इसके रूल्स रहेंगे, बड़े ध्यान से समझना है आप लोगों गाइस, यदि आप लोगों ने स्पीड इसको बढ़ा के रखा है तो कम कर लीजिए, माई काइंडली रिक्वेस्ट टू एवरीवन, तभी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ पाएगा, अदरवाइज यदि स्पीड आपने बढ़ा के रखा है तो नहीं समझ में आएगा। वीडियो को मत देखिए, इससे अच्छा होगा आप टाइम की और अपना लगाइए। चलिए तो गाइस यहाँ पे क्या दिया रहता है, एक आपको स्टेटमेंट दिया रहता है और एक आपको कंक्लूजन दिया रहता है, जैसे कैसे समझते हम लोग, ए बराबर बी, बी लेस देन सी, सी लेस देन ग्रेटर देन डी, डी इज इक्वल टू ई। ये स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा, ध्यान रखना सभी लोग, ये क्या है आपका एक स्टेटमेंट है, ठीक है। और नीचे जो दिए रहते हैं दो आपको कंक्लूजन दिए रहते हैं, जैसे मैंने बताया ए ग्रेटर देन सॉरी ए इक्वल ई और बी लेस देन सी। तो ये नीचे जो मैंने बताए गए ये क्या बताया मैंने यहाँ पे कंक्लूजन बताए, और ऊपर जो दिए गए हैं वो आपको वहां पे क्या दिया गया है स्टेटमेंट दिया गया है, ध्यान से समझिए। देखो जो गाइस जो स्टेटमेंट दिया रहता है ना, ये स्टेटमेंट क्या होता है अपने आप में पूरी तरीके से 100% क्या होता है सही होता है, थोड़ा सा भी यहाँ पे गलत जाने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेंगे, मतलब एक प्रकार से स्टेटमेंट जो है वो क्या है आपका कोर्ट है, इसको कोर्ट मानना है, पर इसने जो एक बार स्टेटमेंट में आ गया उसी को फॉलो करना है। अब नीचे जो कंक्लूजन में दिया होगा ये हो सकता है सही भी हो या तो हो सकता है गलत भी हो, कुछ भी हो सकेगा, लेकिन हमको देखना कैसे है कि जो आपको कंक्लूजन में दिया गया है आपको स्टेटमेंट के साथ इसका मिलान करना है कि भाई क्या ये सही है या गलत है, सिर्फ इतनी चीजें हमको ध्यान में रखना है। इजी है बट कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए, यदि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो गई भेज पाने में, है ना, ध्यान रखना। चलिए तो मैं यहाँ पे आपको कुछ जो रूल्स वगैरह रहते हैं पहले मैं थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ कैसे यहाँ पे जाना है। देखो सबसे पहले आपको गाइस आगे जो बढ़ाना है सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो देना है आप लोगों को किसको देना है, इक्वल को देना है। सेकंड नंबर पे आप लोगों को क्या आएगा यहाँ पे ग्रेटर देन या तो इक्वल या तो लेस देन, इसको बोल सकोगे इक्वल के बराबर, फिर ग्रेटर देन और लेस देन आएगा, इसको एकदम बढ़िया सा डब्बे में बंद कर लो अपनी कॉपी में, इसको लिख लो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके। ध्यान रखना कि सबसे पहली बात आपको जो चलाना है वो किसको चलाना है, इक्वल को चलाना है, देन इसको चलाना है, देन इनको चलाना है, ग्रेटर देन और लेस देन को कैसे चलाना है, आप लोग वीडियो तक बने रहिए ऑटोमेटिक चलाना सीख जाओगे, है ना, वीडियो तक बने रहिए ऑटोमेटिक चलाना आप सीख जाओगे। तो सबसे पहले किसको चलाओगे, इक्वल को, उसके बाद लेस देन ग्रेटर देन या इक्वल, है ना, ऐसा हो जाएगा, फिर लास्ट में क्या आएगा आपका लेस देन तो ग्रेटर देन को आपको चलाना पड़ेगा। तो देखो सबसे फर्स्ट में बोल रहा है ए इज इक्वल टू ई, तो देखो ए ये रहा आपका और ई ये रहा, तो सबसे पहले किसको चलाओगे, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको इक्वल को चलाना है, तो देखो चाहे आप इसको यहाँ पे ले आओ चाहे आप इसको यहाँ पे ले आओ, अरे यहाँ पे ले आओगे ना, देखो सबसे पहली बात ये गेट खुला हुआ है, देखो यहाँ पे
जैसे ये ए होगा तो ए के लिए तो पूरा गेट खुला हुआ है, मतलब ए इजिली तरीके से यहाँ पे मूव अप कर जाएगा। भाई ए होगा तो ए क्या होगा, इजिली तरीके से यहाँ पे मूव अप कर जाएगा। बट यदि हम बात करेंगे उसके आगे और यदि हम ए को बढ़ाना चाहें, देखो ए तो यहाँ पे आप ले आए, अब ए को यहाँ पे ले जाओ सी पे, आप आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि सी ने क्या कर दिया है भाई, इसके लिए गेट बंद कर दिया है। भाई आप यदि किसी से मिलने जा रहे हो और उन्होंने गेट बंद कर दिया तो आप मिल पाओगे क्या? नहीं मिल पाओगे, भाई गेट बंद रहेगा तुम्हें से भग जाओगे वहां पे। इसको देखो थोड़ा ए को देखिए, भाई ई ने ई के लिए गेट यहाँ तो खुले, भाई डी ने क्या किया है पूरा इसके लिए गेट खोल दिया है, थोड़ा सा भी वहां पे अड़चन नहीं लगाई है। अब जब डी होगा, ई यहाँ पे आ चुका है, डी की जगह बैठ गया, ये देखो गेट पूरी तरीके से खुले है बढ़िया सा, तो ये जो ई रहेगा यहाँ पे आगे पहुंच जाएगा यहाँ पे। अरे पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा ना, भाई गेट खुले हुए है। ध्यान रखना कि यहाँ पे इस प्रकार से यदि साइन बना तो इस प्रकार से साइन का बनने का मतलब क्या होगा कि बी के लिए जो गेट हो गए, बी के लिए गेट यहाँ पे क्या है, बंद है। और सी के लिए बात करेंगे तो सी जो होता है इधर इजिली तरीके से इधर उधर जा सकेगा, बट बी जो रहेगा बी कभी भी इसके आगे न जाएगा और न ही ए जो रहेगा यहाँ पे सी की जगह पे आएगा, क्योंकि गेट पूरी तरीके से बंद है। जो गेट होंगे वो क्या होंगे, पूरी तरीके से बंद होंगे। तो इसको समझो यहाँ पे, जैसे ए इज इक्वल टू ई बोल रहा है, तो भाई ए तो यहाँ पे आके रुक जाएगा, अब ई धीरे से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वैल्यू हमारा कुछ क्या बनेगा, इस प्रकार से यहाँ पे बनेगा। तो देखो ये तो क्या बोले भाई, ये जो ऊपर वाला है हमारा वो 100% सही है, वो कोर्ट है भाई, जो उसने बोल दिया सो बोल दिया, बाकी नीचे वाला हमारा जो कंक्लूजन है वो गलत भी हो सकेगा। तो देखो ऐसा कैसा बन रहा है क्या, अरे बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है ना, बोले बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, गलत हो गया आपका। बी और सी को देख लो, बी और सी यहाँ पे देखो, बी बी को क्या कर रहा है, लेस देन, और सी क्या है आपका, ग्रेटर देन है। ये देखो बी यहाँ पे लेस देन है, सी ग्रेटर देन, इन दोनों में यहाँ पे कंपैरिजन करना है। ध्यान रखना कि जिसमें पूछा गया है उसी में कंपैरिजन करना है, ऐसा नहीं कि जिसमें नहीं पूछा गया उसमें कंपैरिजन आप कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या माना जाएगा, ये तो आपका बिल्कुल सही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सेकंड जो ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन क्या होगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा गाइस। तो होपफुली सभी लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा। एक थोड़ा सा प्रैक्टिस और मैं यहाँ पे करवाता हूँ, इसको आप लोग ध्यान रखना। तो आप लोगों को ध्यान क्या रखना है गाइस, यहाँ पे चलाना पड़ेगा, जैसे अभी आपने वीडियो को पोस्ट करके लिख लिया होगा कि किसको चलाना है। तो सबसे पहले किसको चलाना है, जो आपका इक्वल वाला साइन होता है, तो सबसे फर्स्ट आपको इक्वल को चलाना है, देन आपको ग्रेटर देन लेस देन या इक्वल को चलाना पड़ेगा, फिर आपका ग्रेटर देन या लेस देन आ जाएगा। चलिए और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, तो देखो ये जो दिया गया है ये आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे 100% दिया गया है। नीचे का वैल्यू आपको दिया गया है कि ए ग्रेटर देन डी, और सेकंड नंबर पे दिया है कि बी ग्रेटर देन डी से कंपेयर करना है। तो देखो फर्स्ट नियम आपने लिख लिया है, फर्स्ट नियम क्या लिखा है यहाँ पे कि सबसे पहले बराबर को चलाएंगे, उसके बाद ग्रेटर देन या इक्वल या लेस देन इक्वल को, फिर आपका ग्रेटर देन लेस देन को चलाना है। अब ध्यान रखना सेकंड नियम लिखो कि जब आपको साइन इस प्रकार से अपोजिट दिखे, ध्यान देना कि जब साइन आप लोगों को इस प्रकार से अपोजिट दिखे तो भी वो क्या माना जाएगा, वहां पे गलत ही माना जाएगा। मतलब इस प्रकार से बीच में यदि साइन फंस जाते हैं, भाई मुंह फेर लिया ना, देखो तो दोनों का बीच में झगड़ा हो चुका है, अब झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, तो आपस में मुंह फेर लिया, बात करेंगे क्या, अरे बात करेंगे नहीं करेंगे ना, भाई दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है, झगड़ा हो गया, दोनों ने मुंह फेर लिया है, भाई वो उससे नहीं बात करेगा, वो उससे नहीं बात करेगा वहां पे, है ना। तो ये ध्यान रखना कि जब इस प्रकार से आपको साइन दिखे या इस प्रकार से आपको साइन दिखे तो वो डेफिनेटली क्या होंगे, वहां पे गलत ही माने जाएंगे। अरे मेरे वासन में, तो ध्यान रखना गलत कब माने जाएंगे, यदि कंपैरिजन पूछा है और उसके बीच में इस प्रकार से साइन फंस जाते हैं या आप लोगों को अपियर होंगे, तो ध्यान रखना गाइस कि वो क्या माना जाएगा, वहां पे गलत ही माना जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ऐसा ना बोलो, आ रही ना समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसको स्टार मार के अपने कॉपी में नोट कर लो, जिस प्रकार से आपने पहला ब्रैकेट बनाया था ये दूसरा डिब्बा बनाना वहां पे, उस डिब्बे में बढ़िया से इसको बंद कर लो। अब देखो ए और डी को देखो, मैंने आपको बताया था कि ये जो होगा 100% सही होगा, नीचे वाला कंक्लूजन सही भी हो सकता है गलत भी हो सकेगा, कोई गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। अब देखते हैं हम लोग ए और डी, देखो ए क्या
ए को डी से बताना है, मतलब ए को छोटा करना है, डी को बड़ा बताना है। देखो बीच में क्या आ गया, आपके अपोजिट। और सबसे पहले बात कि डी जो होगा सी के पास आएगा क्या, बताइए मेरे को, डी जो होगा सी के पास आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि क्या हो गया है, सी ने ऑलरेडी यहाँ पे गेट बंद कर दिए है कि डी आप हमारे अंदर एंट्री नहीं कर पाओगे। ये देखो यहाँ पे बी ने, जिसके बी ने क्या किया है भाई, ए के लिए गेट बंद कर दिए कि ए कभी भी इधर नहीं जाएगा। हाँ बी जो रहेगा बी के लिए भी गेट बंद है, लेकिन सी जो होता है यहाँ पे बी की जगह चले जाएगा और सी जो होता है वो ए की जगह भी इजिली से आ जाएगा। लेकिन ना तो बी सी की जगह पहुंच पाएगा और ना ही ए जो होगा वो बी की जगह पहुंच पाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ए लेस देन डी के बराबर है ना, तो डी क्या है यहाँ पे, डी तो भाई छोटा है यहाँ पे, तो ये दोनों बीच में, हालांकि अपोजिट साइन को भी आप देख पाओगे यहाँ पे, अपोजिट साइन भी फंस गए हैं, तो यहाँ पे गलत। बी और डी की बात करेंगे तो बीच में अपोजिट साइन फंस गए, मतलब ये भी क्या होगा यहाँ पे, गलत ही माना जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा कि आपका दोनों गलत है, दोनों गलत में क्या आंसर बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर जो फिफ्थ होगा ये क्या होगा यहाँ पे गाइस, रॉन्ग आंसर होगा। अरे मेरी बात समझ सभी को? चलिए थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ आप लोगों को और इसको कैसा करना है। देखिए जिसमें मैंने बताया आपको ए बराबर बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, इजी है, पहले हम इजी वाले कर लेते हैं। जैसे बताया बी ग्रेटर देन डी, फिर बनाया ए ग्रेटर देन सी, क्या सही है क्या, बताइए आप लोग। सबसे पहले ध्यान रखना गाइस कि बी जो होगा ये कभी यहाँ की सी की जगह नहीं आएगा और ना ही सी जो होगा वो डी की जगह आएगा, क्योंकि सी ने ऑलरेडी गेट बंद कर दिए है बी के लिए। भाई सी ने गेट बंद कर दिए है, किसके लिए बंद कर दिए यहाँ पे, बी के लिए गेट यहाँ पे बंद कर दिए, भाई बी उठ के नहीं जाएगा। अब गेट बंद कर दिए तो बता जा पाएगा क्या अंदर, अरे भाई आप किसी से मिलने जा रहे हो और उन्होंने क्या किया है, गेट बंद कर दिया, अंदर से लॉक कर दिया है किसी कारणवश, उनसे मिल के आ पाओगे क्या, नहीं मिल के आ पाओगे। तो इसे क्या किया है कि बी ने गेट बंद कर दिया कि भाई आप तुम हमारे पास मिलने नहीं आ पाओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे, ये रहा आप लोगों का फर्स्ट, यहाँ पे एक कंक्लूजन दिया गया है कि बी को छोटा करना है डी से। तो देखो डी के लिए तो गेट खुले, भाई सी ने गेट खोल दिया कि भाई आ जाओ अंदर तुम, है ना, तो डी जो रहेगा आसानी से इससे मिलने चले जाएगा, यहाँ से मिलके जाएगा और बी के पास भी यहाँ पे चले जाएगा इजिली तरीके से। तो कुछ इक्वेशन जो रहता है हमारा फाइनली इस प्रकार से बनेगा, मतलब ये जो होगा ये क्या होगा, आप लोगों को इसको कंपेयर करना है, बच्चे क्या रहते हैं यहाँ पे, तो यही समझ में नहीं आता है कि कंपेयर करना किससे है। तो जो आपको कंक्लूजन में जो दिया रहता है ना, इसको यहाँ पे मैच करना है, क्या ये मैच हो रहा है क्या, यदि मैच हो रहा होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, ए और सी को देख लो, सी आ पाएगा क्या, बिल्कुल। अब देखो मैंने आपको बताया था अभी कुछ चीजें, मैं पहले मैं बताया था कि सबसे पहले आप किसको चलाओगे, बराबर को चलाना है, ठीक है, मतलब इक्वल को चलाना है, फिर ग्रेटर देन या तो लेस देन इज इक्वल उसको चलाना है, फिर उसके बाद ग्रेटर देन लेस देन को चलाना है। तो देखो यहाँ पे आपको सी दिया है, यहाँ पे सी भी जा सकता है इधर और ए भी इधर आ सकता है, जरूरी नहीं है यहाँ पे कि मतलब आप सी को चलाओ सबसे पहले। ध्यान रखना कि नियम बोलेगा, लॉ बोलता है कि सबसे पहले आप लोगों को जो प्रायोरिटी देना है इक्वल को प्रायोरिटी ही देना है। तो किसको प्रायोरिटी दोगे, इक्वल को प्रायोरिटी दोगे। तो जो सी रहेगा तो सी क्या रहेगा, सी तो इजिली से आ जाएगा, लेकिन सी को नहीं चलाना है, सी को आप चला दोगे गाइस तो यहाँ पे रॉन्ग आंसर हो जाएगा आपका। तो इसी कारण से नियम के अकॉर्डिंग आपको जो चलाना पड़ेगा, सबसे पहले ए को चलाना पड़ेगा, तो ए इजिली से यहाँ पे चले जाएगा, तो आपका कुछ वैल्यू यहाँ पे ऐसा बन जाएगा कि ए लेस देन सी, मतलब बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। यदि आप सी को यदि चला दोगे तो ये कैसा बन जाएगा, वैल्यू यहाँ पे इस प्रकार से बन जाएगा, तो ये तो आपका गलत हो गया। अरे गलत हुआ कि नहीं हुआ, गलत होगा ना भाई। तो ये यहाँ पे क्या माना जाएगा, आपको सबसे पहले ए को ही चलाना है, तो सबसे पहले किसको चलाना है, आपको ए को ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि भाई लोग नियम बोलेगा ना, कुछ नियम भी तो है, तो नियम को आपको फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पे। यदि फॉलो नहीं करोगे तो क्या चले जाएगा वहां पे, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो आप जैसे ही आपको ए को चलाओगे यहाँ पे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे वैल्यू आपको अपियर होगा, मतलब डेफिनेटली क्या होगा इस ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा, मतलब पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन में और मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस के लिए,
बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लोग यदि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं हो तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दे रहा हूँ, स्पेशली IBPS FO के नाम से बना हुआ है। वहाँ पे आप लोग देखिए, 5-6 दिन 2-3 दिन रुकिए, बहुत सारे क्वेश्चन मैं डालता हूँ वहाँ पे, है ना। और बहुत सारे बच्चे मेरे को पर्सनली भी सेंड करते हैं, सर हमारे चेक कर लीजिए, जैसे मैं फ्री होता हूँ तो थोड़ा उनको आंसर चेक कर लेता हूँ कि हाँ बच्चों ने सही भी किया है गलत भी किया है। काफी बच्चे सेंड करते हैं, तो यदि आपका आंसर बन जाए तो डेफिनेटली आप मेरे को सेंड कर दिया करो कि सर हमारा आंसर भी चेक कर लीजिए, ठीक है। कुछ एक लास्ट क्वेश्चन में देता हूँ, बनाइएगा इसको। देखो ये आपका 100% सही होगा ऊपर वाला, ध्यान रखना। बनाइए इसको, वीडियो को पोस्ट कीजिए ना। देखो बी और डी, ये रहा बी और ये रहा डी, डी जा पाएगा क्या? जा पाएगा पक्का? एक बार सोच लो। अरे नहीं जाएगा ना भाई, डी क्या है यहाँ पे बंद है ना गेट, देखो लॉक बंद करके रखा है सी ने, सी ने पूरा इधर से भी बंद करके रखा है, इधर से भी बंद करके रखा है, नहीं बी को आने देगा और नहीं डी को आने देगा। बी के लिए जो सी ने गेट बंद कर दिया है भाई, डी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, बी भी नहीं प्रवेश कर पाएगा यहाँ पे। देखो और सबसे पहली बात, हमारे अभी नियम बताए थे भाई, दोनों ने क्या कर लिया यहाँ पे, लड़ाई हो गई दोनों के बीच। जब दोनों के बीच लड़ाई हो गई तो दोनों ने क्या कर लिया यहाँ पे, मुंह फेर लिया है। अब दोनों के जब दो व्यक्तियों के बीच जब लड़ाई होगी तो बताओ बात कर पाएंगे क्या? अरे करेंगे बात क्या, नहीं बात करेंगे ना भाई। आप लोग बताओ, आप लोगों के बीच जब लड़ाई होती है आप लोग बात करते हो क्या? नहीं करते ना, दो चार दिन गुस्सा पर रहते हो फिर बातचीत स्टार्ट होती है यहाँ पे ना। तो वैसे इन दोनों के बीच अभी लड़ाई हो गई यहाँ पे, तो बात करेंगे क्या? नहीं करेंगे यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना गाइस, ये क्या माना जाएगा, जब अपोजिट हो जाएंगे तो ये डेफिनेटली क्या होगा यहाँ पे, रॉन्ग माना जाएगा। ए और बी को देख लो, बताइए क्या आएगा? अरे भाई ऑलरेडी वो बड़ा वहां पे क्या दे रहा है, आपको इक्वल दे रहा है, और ये क्या कर रहा है, आपको लेस देन दे रहा है यहाँ पे, ए को बता रहा है। तो ये तो डेफिनेटली क्या होगा, गलत ही होगा। कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं हम लोगों को, कंपेयर करने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएंगे, दोनों जो ऑप्शन आएंगे, दोनों ऑप्शन क्या होंगे गाइस, यहाँ पे गलत होंगे, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से मैंने यहाँ पे बताया है आप लोगों को, है ना। इसको ध्यान से समझिएगा, एक दो बार आप लोग वीडियो को थोड़ा पोस्ट करके अच्छे से उसको समझिए मैंने किस प्रकार से कॉन्सेप्ट बताया है। बाकी ध्यान रखना, 3 से 4 लेक्चर में इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी का हम लोग उसका पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यदि आप लोग वीडियो के अंत तक बने हैं गाइस, तो डेफिनेटली आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। यदि आप लोगों ने बीच में चीजों को थोड़ा स्किप किया है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप जो कॉन्सेप्ट रहेंगे उस कॉन्सेप्ट से आप मार खा जाओगे। तो ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट को अच्छे से लर्न करना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ गाइस। यदि आप लोगों ने इसको 28 दिसंबर तक फॉलो किया तो डेफिनेटली आपका एग्जाम जरूर क्लियरिफाई होगा, ये गारंटी मेरी है। बट आप लोगों ने आपके गोल के लिए डेफिनेटली बी हॉनेस्ट रहना पड़ेगा। यदि आप खुद के लिए हॉनेस्ट नहीं हो तो फिर क्या मतलब, अगर आप वीडियो को देख रहे हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो तो वीडियो देखने का सेंस ही क्या रहेगा? इसे अच्छा मत देखिए, टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम जो रहे और लगाइए, जो टाइम है किसी और को दीजिए, तो वहां पे आपको उसका भी भला होगा और आपका भी भला होगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए हमारा इतना जो सेशन है आज के लिए इतना सफिशियंट है, दैट्स इनफ फॉर टुडे। वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच गाइस, सभी लोगों को शुभ रात्रि, टाटा एंड बाय बाय, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।